सचिन उत्तेकर जुड़ चुके हैं, आज के मेहमान हैं, जो आपको बताएंगे मार्केट के अंदर इस समय की रणनीति क्या करनी चाहिए। पहले तो एक बार जरा उनसे व्यू लेते हैं, फिर हम खबरों वाले शेयर आपके सामने रखते हुए चलेंगे, एक एक करके उसके बारे में भी जानेंगे। सचिन शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज जो 60 पॉइंट की तेजी आई है सचिन, ये पॉइंट्स में शायद उतनी इंपॉर्टेंस ना रखे, लेकिन कन्विक्शन में और कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखती है। आपका वो कॉन्फिडेंस का लेवल आ गया है कि आप यहां पे अब खरीदेंगे, आपको यहां पे बाय करना है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी बाय करना है? डेफिनेटली खरीदारी का ही मन है। इनफैक्ट पिछले 7 दिनों से हम लगातार मार्केट में तेजी का ही एक रणनीति से ही चल रहे हैं। इनफैक्ट आज का अगर हम डेटा देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है आईटीसी का पार्टिसिपेट करना। पिछले आधे घंटे में जो भी मोमेंटम आया मुझे लग रहा है वहां पर आईटीसी का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अहम है। 11 हफ्तों के डिक्लाइन के बाद कहीं जाकर स्टॉक में 274 के आसपास एक बेस बनाया, जिस तरीके से अभी वहां पर पोजीशन बन रही है, मुझे लग रहा है जो 11,800 का एक हर्डल है वो जल्द ही मार्केट पार कर देगा और 11,900 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम ओवरऑल 7 दिन का डेटा देखें तो लगातार 7 दिनों में 11,650 इस पर्टिकुलर सपोर्ट को काफी रिस्पेक्ट दिया है। इनफैक्ट वही से आज का जो स्विंग बना है आई थिंक मुझे लग रहा है उसी को स्टॉप लॉस मान के यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी भी बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि सूनर और लेटर ये 11,800 का जो एक हर्डल है वो जल्द ही पार हो जाएगा और 11,900-910 के लेवल्स काफी क्विकली आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली एक ट्रेडिंग बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए एंड प्रेफरेबली मैं अभी तो निफ्टी रिकमेंड करूंगा। बैंक निफ्टी इनफैक्ट आउट परफॉर्म करा है, काफी स्ट्रेंथ है वहां पर, बट जिस तरीके से आईटीसी का पार्टिसिपेशन आया, जिस तरीके से रिलायंस वहां पर रिवर्स हो रहा है, मुझे लग रहा है यहां पर इनफैक्ट बेट थोड़े से अग्रेसिव रखने चाहिए निफ्टी में। 11,680 का मैं स्पॉट में स्टॉप लॉस दूंगा एंड मुझे लग रहा है यहां से 11,900-910 तक की ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। इंटरेस्टिंग, मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, आप जल्दी जल्दी अपनी राय बदलते नहीं है। अगर ट्रेंड नेगेटिव होता है तो आप लगातार उसको थोड़ा अवॉइड भी करते हैं, खरीदारी नहीं करते, और जब आपको कंफर्म हो जाता है ना, पक्का हो जाता है कि हाँ अब कुछ रिवर्सल के साइन है, अब बाजार थोड़ा तेज हो सकता है, तब आप ये भाषा बोलते हैं जो आज अभी आप बता रहे थे कि हाँ मार्केट के अंदर थोड़ा एक्शन है और आपको तेजी और दिखाएगा। आपने एक शेयर का जिक्र किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पेपर पर सबसे पहले आते टर्मिनल को देखते यही शेयर लिखा, आईटीसी। क्या यह टर्न अराउंड वाला शेयर हो सकता है? मेरे को सर एक्सपायरी में नहीं लेना, मेरे को अगले सीरीज का सौदा उठाना है, मैं अपने कुछ सौदे काट भी सकता हूं, तो क्या मैं आईटीसी के साथ आगे बढ़ जाऊं अगले सीरीज में? ये 274-75 वाली रेंज पक्की हो चुकी है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट डिम्पी इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा लंबा अगर डेटा देखें तो अगर 2018 नवंबर से अगर हम डेटा देखें तो काफी बार इस पर्टिकुलर सपोर्ट को टेस्ट किया है और अगर हम लास्ट स्विंग देखें तो अराउंड 274 के आसपास ही हुआ है और जिस तरीके से अपर बाउंड है मुझे लग रहा है अराउंड 300-310 के आसपास एक रेंज है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 275 ऑन द लोअर साइड एंड 300 ऑन द हायर साइड एक ब्रॉडर रेंज रही है आईटीसी के और जिस तरीके से ये अभी यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, जिस तरीके से ऑसिलेटर्स यहाँ पर फॉर्मेशन दिखा रहे हैं और जिस तरीके से पोजिशन यहाँ पर बन रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है जहां पर मेन रिवर्जन हो सकता है। 290-295 इस रेंज का मिड पॉइंट है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 275 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी में पोजीशन बनानी चाहिए। इनफैक्ट एक बजट प्ले भी काफी बेहतरीन हो सकता है एंड इसे रिव्यू करना चाहिए अराउंड 290-295 के जोन में जैसे आ जाता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट है जहां पर एक फ्रेश मोमेंटम अभी बिल्ड हुआ है और थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन भी रिकमेंड करना चाहूंगा। तो फिर स्टॉप लॉस क्या रखे अगर 295 का टारगेट हमको आईटीसी में रखना है तो 275 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड 295 का एक मिड पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, 295 का एक टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 290 से भी शुरुआत कर सकते हैं प्रॉफिट बुक अगर आप करना चाहें, लेकिन नो डाउट आज के दिन अगर आपको स्क्रीन में सबसे बेहतर किसी शेयर में स्ट्रक्चरली बड़ा मूव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है या उसकी तस्वीर बदलती दिख रही है और शेयर अपनी जगह है, जैसे कि टायर स्टॉक्स चले, खबर आई तो चल गए, इमामी में कल तेज गिरावट हुई थी, आज खबर आई क्लैरिफिकेशन आया तो चल गया, लेकिन आईटीसी एक लौता ऐसा शेयर ऐसा दिख रहा है आज कि जो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये सचिन की लिस्ट में सबसे ऊपर आया। सचिन को एक और ऐसा शेयर जो आप एज अ रिकमेंडेशन देना चाहें जिसमें आपको लग रहा है कि कन्विक्शन काफी स्ट्रांग है,
देखिए, अगर हमको शॉर्ट कवरिंग का फ्रेश बाइंग के सौदे लेने हैं और मार्केट आपको थोड़ा और तेज लग रहा है, तो सबसे कन्विक्शन वाले एक दो शेयर सौदे तो वो बता दीजिए फिर। ठीक है, बैंकिंग यू नो ये एक सेक्टर है जो लगातार परफॉर्म करते आ रहा है, और जिस तरीके से एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर रहा है, अगर हम ओवरऑल यू नो इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अराउंड 760 के आसपास एक उसका रिट्रेसमेंट सपोर्ट था प्रीवियस स्विंग का, और उसी के आसपास यू नो एक रिवर्सल यहां पर इनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। इस फॉर्मेशन की अहमता यह है कि यू नो पिछले दो दिन पहले यहां पर एक तीन बार फॉर्मेशन भी हुआ था, तो एक रिकन्फर्मेशन है सपोर्ट का, तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक एक बेटर कैंडिडेट होगा विद इन द बैंकिंग स्पेस, जहां पर एक रिवर्ट टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी है। मुझे लग रहा है यहां पर भी एक कंसिस्टेंट ट्रेंड की उम्मीद करनी चाहिए, तो 760 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक में भी थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं पोजिशनल टारगेट इनफैक्ट इसमें 810 का रखना चाहूंगा। मुझे लग रहा है अगर इमीडिएट एक या दो दिन की बात करें तो मुझे लग रहा है यहां से जो स्विंग एस्टैब्लिश हुआ है वो अराउंड 788-789 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, बट मुझे लग रहा है ओवरऑल ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी आपको अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक एक्सिस बैंक आप कह रहे हैं कि 810 के टारगेट के लिए एक बार यहाँ पे खरीदारी करें, यहाँ पे इन लेवल्स पे मिल जाए तो ठीक है, जिनके पास पुरानी खरीदारी है एक बार जरूर होल्ड करके रखें। 760 का आप स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं अगर कोई फ्रेश आप ताजा खरीदारी अभी कर रहे हैं तो। 810 पहला टारगेट है, जिनके पास है उनको सुकून दिखेगा कि सचिन आपको टारगेट दे रहे हैं 810 का वापिस से, तो 800 के आसपास के काफी सारे लोगों की खरीदारी हो सकती है तो आपको मिल जाएगा, वापिस आता हुआ दिख जाएगा। एक्सिस बैंक एक और खरीदारी का सौदा बन रहा है। एक बार चार्ट भी चेक करवा लेते हैं सचिन, एक बार जरा चार्ट देखें मामी का। सिमी मामी कह रहे थे कि कोई ट्रेड नहीं है, परसों हमने कुणाल जी से पता किया था, वो कह रहे थे कि चार्ट बेहद कमजोर है और अभी थोड़ा पुल बैक तो आया है, कोई ट्रेड लेना है या फिर अभी दूर रहना है? ठीक है एमपी, यहां पर अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देखें तो 650 के आसपास जब एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था मंथली स्केल पे, और वहां से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर में या फॉर्मेशन में स्टॉक रहा है। इनफैक्ट अगर हम डेढ़ साल का ये पूरा स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली यहां पर डायरेक्शन वाइज तो नेगेटिविटी है, और यहां पर कोई भी उछाल पे आपको सलाह तो वही मिलेगी कि आपको लिक्विडेट करना चाहिए या बेचना चाहिए, बट इतने स्टीप फॉल के बाद 80% एरिया ऑलरेडी कवर हो चुका, जिस तरीके से यहां पर वॉल्यूम्स हुए और प्राइस फॉर्मेशन पे अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ रीइंस्टेट हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहां पर थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं बट डेफिनेटली थोड़ी सी अक्यूमुलेट करने की सलाह रखूंगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक 250 का जिन्होंने स्विंग देखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है वहां पर 250 का क्लोजिंग बेसिस पे अभी स्टॉप लॉस बनाने में कोई हर्ज नहीं है जिस तरीके से ये वर्टिकल फॉल रहा है। ओवरऑल अगर हम इसका आरएसआई देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर देखें, तो जिस तरीके से अक्टूबर 2018 के लोज थे जो लगभग अराउंड 400 के आसपास थे, उसकी आरएसआई वैल्यू थी अराउंड 20.20 की, और इस बार अगर हम देखें तो वहां से स्टॉक आधा हो चुका है बट उसकी आरएसआई वैल्यू 24.62 हो गई है, तो कहीं जाकर इनहेरेंटली मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहां पर स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है। मुझे लग रहा है इमीडिएटली नहीं बट इन द नियर फ्यूचर इस स्टॉक में डेफिनेटली थोड़ा सा एक टर्न अराउंड मिल सकता है। रिवर्ट टू रिस्क अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए भी काफी बेहतर ही है, अगर 250 का अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करें, डिक्लाइंस अगर मिल जाते हैं 285 तक एक बेहतरीन लेवल होगा, तो मुझे लग रहा है यहां पर डिक्लाइन पर थोड़ा सा अक्यूमुलेट करने में कोई हर्ज नहीं है। ऑन द हायर साइड 360 एक इमीडिएट हर्डल है ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे, तो उसको एक टारगेट मानना चाहिए एंड अक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक 250 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आपने मेरे को तीन लेवल बताए मामी के अंदर, आप भी जरा नोट कीजिएगा। पहला 250 का स्टॉप लॉस है, इसके नीचे वीक हो जाएगा फिर से कमजोरी वाले कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे कि 285 के आसपास मिल जाए तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि यहां से 7-8 रुपए नीचे मिल जाए तो एक बार वापस से एक्युमुलेट करना शुरू करें, यानी कि इसको खरीदना शुरू करें। कहां तक जा सकता है? जाएगा 360 रुपए तक, यहां पे आके फिर थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो तीन लेवल आपके पास है, शॉर्ट करना है नहीं अभी नहीं करना, 250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखें, 285 के आसपास आप उसके थोड़ा सा नीचे खरीदारी करें, तब 360 पे रखें ध्यान। एक शेयर के बारे में जरा पता कर लेता हूं, वह मुथूट, 22% की तेजी है, इसका डबल हुआ है मन्नापुरम। मुथूट का चार्ट देख के बताएं सचिन, ये अपने भाई मन्नापुरम की तरह 20-50% और रिटर्न दे सकता है?
वेल डेफिनेटली दे सकते हैं. इनफैक्ट अगर हम पोजिशनली देखें तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक में एक अच्छी रन देखनी चाहिए. इनफैक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 675-680 इस पर्टिकुलर जोन में ये स्टॉक पहुंचना चाहिए. अगर हम इस एक्सपायरी का ही डेटा देखें तो 600 के आसपास काफी अच्छी पुट राइटिंग हो रही थी, एक अच्छा बेस वहां पर बन गया था और 660 के आसपास एक सप्लाई जोन था. तो मुझे लग रहा है काफी समय इसमें अच्छी तरह उसने निकाला है और जिस तरीके से वापस एक बार स्टिमुलस बन रहा है, जिस तरीके से कुछ मोमेंटम एवरेजेस और जिस तरीके से कुछ ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इमीडिएटली यहाँ पर ब्रेकआउट की उम्मीद रखनी चाहिए. इनफैक्ट यहाँ पर हम अपना बायस स्ट्रांगली यहाँ पर पॉजिटिव ही रख रहे हैं कि जब तक 610 के नीचे एक वीकली क्लोजिंग नहीं होती, आई थिंक तब तक ये पूरा जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहना चाहिए. ऊपर के लेवल्स अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 675-680 इस पर्टिकुलर जोन को अचीव करने की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी में होना चाहिए. ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए.